Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. So good morning students and welcome back to our channel RK Sharma ASDP classes. तो आज हम सभी बात करने वाले हैं हमारे जो सब्जेक्ट है ASDP फर्स्ट ईयर में, जिसका नाम है इंट्रोडक्टरी वेटनरी एनाटॉमी. इंट्रोडक्टरी वेटनरी एनाटॉमी में हम पढ़ने वाले हैं आज एक्सल स्केल्टन पढ़ेंगे, ठीक है. इससे पहले हमने हमारी जो पिछली वीडियोस हैं उसमें अपेंडिकुलर स्केल्टन पढ़ लिया है. अपेंडिकुलर स्केल्टन के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? पशु के अगले एवं पिछले पैर आते हैं, यानी कि पशु के अगले पैर एवं पिछले पैर की हड्डियों का वर्णन किस में होता है? अपेंडिकुलर स्केल्टन के अंतर्गत होता है. तो अगले एवं पिछले पैर की जो बोन्स होती हैं, तो इसमें सबसे पहले अगले पैर की बोन्स की हम बात करें तो सबसे पहले नंबर पर आती है स्केपुला, दूसरे नंबर पर होती है ह्यूमरस, तीसरे नंबर पर होती है रेडसना, फोर्थ नंबर पर होती है कार्पल्स, फिफ्थ नंबर पर होती है मेटाकार्पल एंड सिक्स नंबर पर वही आ जाती है हमारे डिजिट्स या अंगुलियस या फेलेंस, ठीक है. अब हम बात करते हैं पशु के हाइंड लिंब की, यानी कि पिछले पैर की. तो पिछले पैर के अंतर्गत पशु की जो हड्डियाँ आती हैं उनमें सबसे पहले तो आती है हिप बोन, जिसे हम ओस कोएक्स या पेल्विक रिडल भी कह देते हैं. दूसरे नंबर पर आती है हमारी फीमर बोन. फीमर बोन पशु के शरीर की सबसे बड़ी कठोर हड्डी है तथा एक आगे हड्डी है जांघ की हड्डी है. फिर तीसरे नंबर पर आती है हमारी पटेला बोन, जो पशु के शरीर की सबसे बड़ी सीसेमोइड बोन है. फोर्थ नंबर पर आती है हमारी टीबिया एंड फिबुला, जिनको हम अलग अलग पढ़ते हैं और साथ साथ भी पढ़ लेते हैं, ठीक है. फिबुला बोन जो क्या होती है, ऑक्स में रूडिमेंट्री होती है. और टीबिया बोन फाउल के शरीर की सबसे बड़ी बोन कौन सी होती है? टीबिया होती है. फिर आगे हम बात करते हैं टार्सल एंड मेटाटार्सल की. जैसे अगले पैर में कार्पल एंड मेटाकार्पल होती है, उसी तरह पिछले पैर में टार्सल एंड मेटाटार्सल्स होती है. फिर वही लास्ट में डिजिट्स आती हैं जो अगले पिछले पैरों में समान होती है, ठीक है. तो आगे आज हम बात करने वाले हैं पशु के एक्सियल स्केल्टन की, ठीक है. तो हम देख लेते हैं एक्सियल स्केल्टन के अंतर्गत क्या आता है. एक्सियल स्केल्टन यानी कि अक्षीय कंकाल तंत्र या केंद्रीय कंकाल तंत्र. अक्षीय कंकाल तंत्र या केंद्रीय कंकाल तंत्र, ठीक है. इस कंकाल तंत्र में हम किन किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं? इस कंकाल तंत्र में हम अध्ययन करते हैं पशु की स्कूल ऑफ बोन्स, यानी कि खोपड़ी की हड्डियाँ. दूसरे नंबर पे आती है हमारी वर्टिब्रल कॉल्यूम्स. तीसरे नंबर पे आती है हमारी रिब्स एंड फोर्थ नंबर पे आता है हमारा स्टर्नम, ठीक है. तो इन सब चीज़ों का अध्ययन किसमें करते हैं? एक्सियल स्केल्टन में, यानी कि केंद्रीय कंकाल तंत्र या अक्षीय कंकाल तंत्र में. आज हम बात करने वाले हैं स्कल की. स्कल का मतलब होता है खोपड़ी की हड्डियां या खोपड़ी. तो आज हम देख लें सबसे पहले स्कल. स्कल क्या होता है? जो हमारे हम सभी को पता है कि वेटनरी एनाटॉमी के अंतर्गत जो सबसे मेन जो पशु है वो उसका नाम है ऑक्स. ऑक्स के यानी कि गोवंश का हम मेन रूप से वेटनरी साइंस में अध्ययन करते हैं. तो गोवंश में क्या होता है कि गोवंश की जो खोपड़ियाँ होती हैं वो कई प्रकार की छोटी और बड़ी हड्डियों से मिलकर बनी होती है. उनमें से कुछ हड्डियाँ तो युग्मित होती हैं, यानी कि पेयर्ड होती हैं, जोड़े के रूप में पाई जाती हैं, और कुछ हड्डियाँ अयुग्मित होती हैं, नॉन पेयर्ड होती हैं. इनमें क्या होता है कि ये हड्डियाँ आपस में जुड़ी रहती हैं तथा आपस में जुड़ करके एक आरी की रेखा के रूप में जुड़ती हैं. तथा आरी की रेखा के रूप में जब जुड़ती हैं तो इसे क्या कह देते हैं? सूचर्स कह देते हैं. क्या कह देते हैं? सूचर्स कह देते हैं. और खोपड़ी की हड्डियों के मध्य बनने वाले जोड़ों को भी क्या कह देते हैं? हम सूचरिंग जॉइंट्स कह देते हैं, ठीक है. तो स्कल की डेफिनेशन क्या होगी कि गोवंश में खोपड़ी में कई छोटी व बड़ी हड्डियां आपस में मिलकर या जुड़कर खोपड़ी की हड्डियों या
अस्थियों का निर्माण करती हैं। ये बोन्स कुछ तो युग्मित होती हैं, यानी कि जोड़े के रूप में, और कुछ अयुग्मित होती हैं, तथा ये सभी छोटी व बड़ी अस्थियां आपस में एक आरी की रेखा के रूप में जुड़ती हैं, तथा इन्हें क्या कह देते हैं, सूचर्स कह देते हैं, तथा स्कल की बोन्स के में या के मध्य बनने वाले जॉइंट्स को भी सूचरिंग जॉइंट्स कह देते हैं। क्या कह देते हैं, सूचरिंग जॉइंट्स कह देते हैं। ठीक है, तो खोपड़ी की जो स्कल होता है, गोवंश की जो खोपड़ी होती है, उसमें कई प्रकार की हड्डियाँ पाई जाती है, छोटी एवं बड़ी। कुछ हड्डियाँ तो युग्मित होती हैं, यानी कि जोड़े के रूप में होती है, कुछ अयुग्मित होती हैं, तथा ये क्या होती है, आपस में एक आरी की रेखा के रूप में जुड़ी रहती हैं, तथा इस आरी रूपी रेखा को हम क्या कह देते हैं, सूचर्स कह देते हैं, तथा स्कल बोन्स के मध्य बनने वाले जो जॉइंट्स होते हैं उन्हें भी क्या कह देते हैं, हम सूचरिंग जॉइंट्स कह देते हैं। आगे हम बात करते हैं कि खोपड़ी में और क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। आगे हम बात करेंगे कि खोपड़ी के मध्य और क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। तो खोपड़ी का जो ऊपरी भाग होता है, क्रेनियम कहलाता है। खोपड़ी का ऊपरी भाग क्या कहलाता है, क्रेनियम कहलाता है। और यह क्रेनियम क्या करता है कि मस्तिष्क को घेरे रहता है तथा उसे सुरक्षा प्रदान करता है। मस्तिष्क को घेरे रखता है तथा उसे सुरक्षा प्रदान करने काम कौन करता है, क्रेनियम करता है। आगे हम बात करने वाले हैं खोपड़ी के पिछले भाग में। ठीक है, तो खोपड़ी का जो पिछला भाग होता है उसमें एक फोरामेन होता है। उस फोरामेन में से क्या होती है, स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, और जो क्या करती हैं, जो दो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल से घिरी रहती हैं, जिसे क्या कह देते हैं, हम फोरामेन ऑफ मैग्नम कह देते हैं। तो खोपड़ी का पिछला भाग खोपड़ी के पिछले भाग में एक फोरामेन पाया जाता है, जिसमें से स्पाइनल कॉर्ड निकलती हैं, तथा इसमें दो ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल भी पाए जाते हैं।
क्या होता है, डॉक्सिपिटल कॉन्डाइल भी पाए जाते हैं तथा ये दो ऑक्सिपिटल कॉन्डाइल से घिरा रहता है, इसलिए इसे फोरामेन ऑफ मैग्नम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? फोरामेन ऑफ मैग्नम कहते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें पशु के जबड़े की। तो पशु का जो जबड़ा, खोपड़ी का जो निचला भाग होता है वो क्या होता है, एक जबड़े से जुड़ा रहता है, जिसे क्या कह देते हैं, मैंडिबल कह देते हैं। तो जबड़े के साथ एक पतली व मुड़ी हुई हड्डी होती है, जिसे हम क्या कह देते हैं, हाइंड बोन कह देते हैं। जो कहाँ पाई जाती है, पशु की जो जीभ होती है उसके आधार भाग में पाई जाती है, जो क्या करती है, पशु की जीभ को सपोर्ट प्रदान करती है, संबल प्रदान करती है। खोपड़ी के, अब आगे हम बात करें जो पशु का जो ऊपरी जबड़ा होता है वो किन किन बोन से मिलकर बनता होता है। खोपड़ी का जो ऊपरी जबड़ा होता है वो मैक्सिला एंड प्रीमैक्सिला बोन से मिलकर बना होता है। जो मैक्सिला बोन होती है उसमें प्रीमोलर और मोलर दांतों के लिए क्या होते हैं, सॉकेट्स यानी कि गड्ढे पाए जाते हैं। साथ ही साथ हमें पता होना चाहिए कि जो जुगाली करने वाले जो जानवर होते हैं उनके ऊपरी जबड़े में इंसाइजर दांत नहीं पाए जाते हैं। इंसाइजर दांत के स्थान पर एक कठोर आवरण पाया जाता है, जिसे क्या कह देते हैं, हम डेंटल पैड कह देते हैं। इसी जबड़े में मोलर, प्रीमोलर एवं इंसाइजर दांत पाए जाते हैं। ठीक है, अब ये तो हो गया पशु का निचला जबड़ा और ऊपरी जबड़ा। तो ऊपरी जबड़ा जो होता है वो खोपड़ी से जुड़ता है। खोपड़ी का जो नीचे का जो हिस्सा है वो एक जबड़े से जुड़ा रहता है, जिसे क्या कह देते हैं, मैंडिबल कह देते हैं। ठीक है, जो ऊपरी जबड़ा होता है वो मैक्सिला प्रीमैक्सिला बोन से बनता है। फिर आगे हम बात करें जो मैक्सिला बोन होती है उसमें प्रीमोलर मोलर दांतों के लिए क्या होते हैं, सॉकेट्स पाए जाते हैं। तथा जब जुगाली करने वाले जो जानवर होते हैं यानी कि रूमिनेंट्स एनिमल्स होते हैं, उनमें क्या होता है कि ऊपरी जबड़े में इंसाइजर दांत नहीं पाए जाते। उन इंसाइजर दांतों के स्थान पर क्या पाया जाता है, उनमें कठोरावरण पाया जाता है, जिसे क्या कह देते हैं, हम डेंटल पैड कहते हैं। दूसरे भाग पर हम बात करें पशु का जो निचला जबड़ा होता है उसमें क्या होता है, प्रीमोलर मोलर एवं इंसाइजर दांत तो पाए जाते हैं, ठीक है, लेकिन कैनाइन दांत नहीं पाए जाते। लेकिन इन कैनाइन दांतों के स्थान पर जो रिक्त स्थान पाया जाता है उसे क्या कह देते हैं, हम डायस्टेमा कह देते हैं। तो ऊपरी जबड़े में तो क्या आता है, डेंटल पैड आता है, और निचले जबड़े में क्या आता है, पशु का डायस्टेमा आता है। ठीक है, आज हम आगे हम बात करेंगे पशु के बोन्स के बारे, स्कल के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा स्कल है वो है ठीक है, ये तो हो गया। आगे हम बात करेंगे कि जो पशु का स्कल होता है, स्कल में ही आई नोज व ईयर के लिए, आई नोज व ईयर के लिए क्या पाए जाते हैं, खड्डे होते हैं, जिसे क्या कह देते हैं, हम उसे ऑर्बिट कह देते हैं। क्या कह देते हैं, उसे हम ऑर्बिट कह देते हैं। ठीक है, ये तो हो गया स्कल ऑफ ऑक्स। आगे बात करेंगे स्कल ऑफ हॉर्स। तो हॉर्स का जो स्कल होता है वो कैसा होता है, हॉर्स का स्कल थोड़ा लंबा होता है, इसमें प्री मैक्सिला एवं प्री मैक्सिला के जो ऊपर दांतों के लिए क्या होते हैं, 6 गड्ढे होते हैं। तथा प्री जो पैराइटल बोन और क्रैनियल बोन जो होती हैं क्या करती हैं, कैविटी की छत बनाने में भाग लेती हैं। तो हमें सिर्फ इतनी बात याद रखने की है कि हॉर्स का स्कल कैसा होता है, लंबा होता है। ठीक है, हॉर्स का स्कल कैसा होता है, लंबा होता है। तथा जो प्री मैक्सिला जो बोन होती है उसमें ऊपरी दांतों के लिए क्या होते हैं, 6 गड्ढे पाए जाते हैं। प्री मैक्सिला बोन में ऊपरी जबड़े के दांतों के लिए 6 सॉकेट क्या पाए जाते हैं, 6 सॉकेट पाए जाते हैं। ठीक है, आगे हम बात करेंगे स्कल ऑफ डॉग। तो
जो डॉग का स्कल होता है उसकी हम बात करें, जो डॉग का स्कल होता है कैसा होता है, ओवल शेप्ड होता है यानी कि अंडाकार आकृति का होता है, तथा इसकी आकृति क्या क्या होती है, कुत्ते की नस्ल पर निर्भर करती है, क्या करती है, कुत्ते की नस्ल पर यानी कि डॉग की ब्रीड के ऊपर निर्भर करती है। साथ साथ क्या होता है, इसमें इंटरपैराइटल व ऑक्सीपिटल बोन जन्म से पहले ही फ्यूज हो जाती हैं। तो इसमें क्या होता है, इंटरपैराइटल व जो ऑक्सीपिटल बोन होती है क्या होती है, जन्म से पहले ही फ्यूज हो जाती हैं। तो डॉग का स्कल, डॉग का स्कल ओवल शेप्ड होता है, तथा यह डॉग की ब्रीड पर निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, डॉग की ब्रीड पर निर्भर करता है, तथा इसमें इंटर पैराइटल व ऑक्सीपिटल बोन जन्म से पहले ही फ्यूज्ड हो जाती हैं। जन्म से पहले क्या हो जाती हैं, फ्यूज्ड हो जाती हैं डॉग में। अब हम बात करते हैं कि पिग की, तो जो पिग का जो स्कल होता है वो भी कैसा होता है, पिग का स्कल भी लंबा होता है, तथा इसमें जो कैनाइन दांत होते हैं वो पूर्ण रूप से विकसित होते हैं, क्योंकि हमें सभी को पता होता है कि जो पिग होता है वो मांसाहारी जानवर भी होता है। और तथा इसमें जो नेजल सेप्टर होती है वो कार्टिलेज के पास रोस्टर नामक विसरल बोन पाई जाती है, कैसी बोन है, विसरल बोन है, ठीक है, जो कहाँ पाई जाती है, पशु के अंतरांगों में पाई जाती है। तो स्कल ऑफ पिग, तो पिग का स्कल भी लंबा होता है, कैनाइन टीथ पूर्ण विकसित होते हैं या डेवलप्ड होते हैं, पूर्ण विकसित होते हैं, तथा नेजल सेप्टम के पास, नेजल सेप्टम के पास नेजल कार्टिलेज जो होती है, नेजल कार्टिलेज में रोस्ट्रेल नामक विसरल बोन पाई जाती है, कौन सी बोन पाई जाती है, विसरल बोन पाई जाती है, यानी कि अंगी अस्थि पाई जाती है, जिसमें क्या होता है, वायुकोश होते हैं, उसे क्या कह देते हैं, विसरल बोन पाई जाती है, पशु के आंतरिक अंगों में पाई जाती है, उसे क्या कह देते हैं, विसरल बोन्स पाई जाती हैं, ठीक है। तो कहाँ पाई जाती है, पशु पिग की नोज में पाई जाती है, पिग की नोज में जो नेजल सेप्टम व नेजल कार्टिलेज होती है उसके उसमें क्या पाई जाती है, रोस्ट्रल विसरल बोन पाई जाती है, ठीक है, जो पशु के आंतरिक अंगों में पाई जाती है। आगे हम बात करते हैं स्कल ऑफ फाउल, तो फाउल का जो स्कल होता है उसमें क्या होती है, सभी जो बोन्स होती हैं वो क्या होती हैं, फ्यूज होती हैं, स्कल ऑफ फाउल। तो फाउल में स्कल की सभी बोन्स फ्यूज्ड होती हैं, फाउल में स्कल की जो सभी बोन्स क्या होती हैं, फ्यूज्ड होती हैं, तथा जो ऊपरी जबड़ा होता है वो गतिशील होता है, यानी कि मूवेबल होता है, ऊपरी जबड़ा गतिशील होता है, ऊपरी जबड़ा क्या होता है, गतिशील होता है, तथा जो मैंडिबल अस्थि का जो आधा भाग होता है वो पांच हड्डियों के फ्यूजन से बनता है, तथा जो जबड़े की हड्डी होती है मैंडिबल बोन का आधा भाग पांच फ्यूज्ड बोन से पांच फ्यूज्ड बोन्स से बनता है, किन से बनता है, पांच फ्यूज्ड बोन से बनता है,
हमें सबसे मेन चीज़ ये बात याद रखनी होगी, हम सभी के माइंड से कभी कभी निकल जाता है तो नोट डाल के लिख लेना, फाउल में चोंच पाई जाती है तथा टीथ नहीं पाए जाते हैं। पक्षियों में चोंच ही पाई जाती है, टीथ नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, ये हो गई आज हमारी स्कूल स्कल यानी कि खोपड़ी के बारे में आज हमने पढ़ लिया। आगे हम जो खोपड़ी की जो हड्डियां हैं उनके वो दो भागों में विभाजित करेंगे, उन सब के बारे में अगर आज हम हमारा नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो स्टूडेंट्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी उसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको टाइम टाइम पर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके, साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू स्टूडेंट्स।